बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहाँ से आ गया? कौन है एलजी? कहाँ से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर? शिक्षा जो है इन ठेकेदारों की वो पौती रहनी चाहिए, इसको तोड़ना है हम लोगों को। और ये एलजी साहब उसी माइंडसेट से आते हैं कि एलजी साहब के बच्चों को तो मिलनी चाहिए अच्छी शिक्षा, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। इस माइंडसेट को तोड़ना है अपने को, पूरे देश को तोड़ना है। आजादी मिल गई लेकिन ये माइंडसेट अभी भी है कि गरीबों के इस जात के उस जात के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं लेने देंगे। ये विदेश कैसे जा सकते हैं? पढ़ो, एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम है किसी से? गरीबों के बच्चे कम है किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है, सबसे अच्छी, ये सबको पता है। फिनलैंड पूरी दुनिया में शिक्षा में नंबर वन है, और उसमें भी जो नंबर वन यूनिवर्सिटी है उसमें भेज रहे हैं हम, पूरी दुनिया में जो नंबर वन यूनिवर्सिटी। हम तो भेजेंगे सर, दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है, दिल्ली के लोगों का, टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर? अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे? ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ। मैं कई बार सोचता था 70 साल हो गए हमारे देश को, 75 साल हो गए हमारे देश को, इतना पिछड़ा कैसे रह गया, इतना अनपढ़ कैसे रह गया, इतना गरीब कैसे? इन लोगों ने जानबूझ के इन लोगों ने देश को गरीब रखा है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, ये तो सामने आ गया, नंगे हो गए ये लोग। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, बड़ी मजे की बात है, एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। मैं भी आपको दिखाता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई तीन चीजें हैं, एक है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इन तीनों चीजों को छोड़ के एलजी साहब के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 4 जुलाई 2018 को ये ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट तो देश की सर्वोच्च अदालत है, वो तो सबको माननी पड़ती है ना। इसमें से मैं पढ़ के सुनाता हूं, इसमें लिखा हुआ है पैरा 284। अब तो सबको रट गया होगा पैरा भी, कल 3 दिन से मैं बोल रहा हूं, 284.17 पैरा। इसमें लिखा है द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। इसकी हिंदी क्या हुई? लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पता था एक बार लिखने से नहीं मानेगा एलजी, उन्होंने 2 बार लिखा, उन्होंने फिर पैराग्राफ नंबर 475.20 में लिखा देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक decisions। अब इससे फालतू बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा है भाई एलजी साहब के पास डिसीशन लेने की पावर नहीं है। मैं जब एलजी साहब से मिलने गया अभी 3 दिन पहले, तो मैंने ये पढ़ के सुनाया उनको। मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। कहते हाँ सुप्रीम कोर्ट की अपनी राय हो सकती है। सर अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं बचा रहा। इतने बड़े संवैधानिक पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, मैंने कहा सर आप जो ये कह रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून है इस देश का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाइंडिंग है इस देश के ऊपर, इस देश के हर नागरिक के ऊपर।
बोले नहीं मैं बोले संविधान में लिखा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब शासक होता है, तो मेरे पास सुप्रीम पावर है।